एक बार तिमकपुर नाम के गांव में एक जादूगर आता है। आओ आओ जादू देखो, बड़े छोटे बूढ़े जवान सबके लिए कुछ न कुछ है। आओ आओ जादूगर जादू का पिटारा लाया, सबका मन बहलाने आया। जादूगर की आवाज सुनकर सभी अपने अपने घरों से जादूगर का खेल देखने आते हैं। कौन है यहाँ जिगरबाज जो यहाँ आके मेरे जादू का हिस्सा बनना चाहेगा? कभी किसी ने इंसान को बंदर बनते हुए देखा है? देखना चाहते हो? हाँ हाँ हमें देखना है। बहुत सी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वहाँ उन्हीं में से एक राजू नाम का लड़का निकल कर आता है। मैं बनना चाहता हूँ इस जादू का हिस्सा। जादूगर राजू को एक डिब्बे में बंद करने लगता है। देखिए आप लोग, कैसे ये लड़का जो डब्बे में जा रहा है एक बंदर बन के बाहर आएगा। सभी लोग अपनी सांसें थाम कर देखने लगते हैं। राजू डिब्बे में बंद हो जाता है और जादूगर उस पर अपनी जादुई छड़ी घुमाने लगता है। कुछ देर बाद वो डिब्बा खुलता है और उसमें से एक बंदर बाहर आता है, बहुत बड़ा विशाल बंदर जो बहुत खूंखार लग रहा होता है। गांव वाले तालियां बजाने लगते हैं। वाह वाह क्या बात है, क्या जादू है, लड़के से बंदर बन गया। वाह वाह, अब आप लोग क्या चाहते हो, ये बंदर बंदर ही रहे या वापस लड़का बन जाए? वापस से लड़का बना दो। वही पास एक पेड़ पर भूत बैठा होता है जो ये सब देख रहा होता है। वाह क्या बात है, जादूगर को तो मानना पड़ेगा, क्या बेवकूफ बना रहा है लोगों को। चलो इस जादू की गंगा में मैं भी हाथ धो लूं। फिर भूत उड़ते उड़ते जाता है और उस बंदर के अंदर प्रवेश कर लेता है। अब देखो ये बंदर इस डब्बे में जाएगा और लड़का बन के वापस आएगा। जादूगर उस बंदर को डिब्बे में बंद होने का आदेश देता है और वह बंदर हाहाकार मचाने लगता है। तू मुझे बंद करेगा इस डब्बे में? तू बंद करेगा? तेरी इतनी औकात है? तू लोगों को पागल बना के जादू दिखा रहा है। भूतिया बंदर बेकाबू होकर डिब्बे तोड़ने फोड़ने लगता है और सामान उठा उठा कर फेंकने लगता है। भूतिया बंदर भारी भारी कदम जहाँ जहाँ रखता है वहाँ जमीन में दरार आने लगती है। ये देखकर सभी गांव वालों में भगदड़ मच जाती है। अरे भागो भागो, भूतिया बंदर, ये तो भूतिया बंदर है, ये किसी को नहीं छोड़ेगा, भागो। भूतिया बंदर अपनी छाती दोनों हाथों से पीटते हुए कैसे बचोगे, भागो, कब तक भागोगे, कहाँ जाओगे भाग के? भूतिया बंदर सभी को कुचलने लगता है। कूद कूद कर वह घर घर में तोड़ फोड़ मचा देता है। गांव वालों को जहां जगह मिलती है छुपने की वे छुप जाते हैं। ये नासपीटे जादूगर का जादू क्या देखा हमने, मुसीबत मोल ले ली। इस भूतिया बंदर को काबू करना आसान नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा अब। अरे वो जादूगर कहाँ है, अब उसे ही पकड़ना पड़ेगा, उसी की बुलाई मुसीबत है। गांव वाले छिपते छिपाते जादूगर को ढूंढने लगते हैं और कुछ लोग तो जंगल में भाग जाते हैं तो कुछ दूसरे गांव में। इन्हीं सब में रात हो जाती है। अरे ये क्या रात हो गई, रात को तो मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा, अब मैं अपना शिकार कैसे ढूंढूं? भूतिया बंदर रात के अंधेरे में यहाँ वहाँ भटकने लगता है।
अच्छा, तो इस भूतिया बंदर को रात को नजर नहीं आता। ये बात मुझे पूरे गांव में फैलानी होगी, जिससे गांव वाले दिन भर किसी तरह छुपे रहें और रात को अपने अपने काम पे निकलें। ये ही सही रहेगा। रामू ये बात सभी को चुपचाप जाकर रात भर में बता देता है। गांव वाले फिर एक जगह जंगल में ही इकट्ठे होते हैं। अच्छा, तो अब इस भूतिया बंदर से बचने के लिए हमें रात को ही योजना बनानी होगी। पर हम करेंगे क्या? वो बंदर तो बहुत ताकतवर है और एक कदम में ही कुचल देगा हमें। बात तो तुम्हारी सही है भाई, पर हम करेंगे क्या? वो बंदर तो बहुत ताकतवर है और एक कदम में ही कुचल देगा हमें। बात तो तुम्हारी सही है भाई, पर हमें इस मुश्किल घड़ी में दिमाग से काम लेना होगा। अगले दिन भूतिया बंदर फिर गांव में आतंक मचाना शुरू कर देता है। वह हर सामान को उठा उठा कर फेंकने लगता है और तो और लोगों के घर पैर से कुचलने लगता है। उसे जब सारे घर खाली दिखते हैं तो वह गुस्से में आग बबूला हो जाता है। ये क्या है? सारे घर खाली हैं, सिर्फ जानवर ही बचे हैं। इनका मांस तो काफी नहीं है मेरे लिए। मुझे तो इंसानी मांस की तलब लग रही है अब। कहां मर गए सारे के सारे गांव वाले? गुस्से में यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है। तभी वहाँ एक गांव वाले को जादूगर दिखाई देता है। वह गांव वाला अपने साथ दो तीन लोगों को लेता है और उस जादूगर को पकड़ लेता है। क्यों रे जादूगर, तू तो बड़ा सयाना निकला, हमें उस बंदर के झांसे में दे के उस भूतिया बंदर के चंगुल में फंसा दिया और खुद भाग गया। आज तो हम तुझे जाने नहीं देंगे। मुझे माफ कर दो भाइयों, मुझे नहीं पता था कि बंदर में भूत घुस जाएगा। पता नहीं कैसे वो जादू उल्टा पड़ गया, मुझे माफ कर दो। अब जो भी है तू ही हमें यहाँ से बाहर निकाल, कुछ जादू कर, कुछ रास्ता निकाल। मैं कोशिश कर सकता हूँ कुछ करने की, पर आपको सबको मेरा साथ देना होगा। फिर जादूगर गांव वालों को कुछ कद्दू लाने को बोलता है। अरे भाई, इतने बड़े बड़े कद्दू का होगा क्या? यहाँ हमारी जान के लाले पड़ रहे हैं और तुम क्या भंडारा करवाने की सोच रहे हो? अब ध्यान से सुनो, हम ये काम सिर्फ रात को ही करेंगे जंगल में, तब तक हमें छुप के रहना पड़ेगा। फिर जादूगर एक कद्दू में दो आंखें और डरावने दांत बनाता है चाकू से काटकर, और उसे एक मुखौटे का रूप देता है। सारे गांव वाले वैसे ही कद्दू के नमूने तैयार करने लगते हैं। दो रातों तक ये सब चलता है और वहाँ भूतिया बंदर भूख से बौखला जाता है। जब उसे पूरा गांव खाली मिलता है, तभी उस रात गांव वाले अपनी योजना सफल करने निकलते हैं। आप लोग मेरी तरह इस कद्दू को सर पे पहन लो। सारे गांव वाले भी वैसा ही करते हैं। वे सब देखने में एलियंस लग रहे होते हैं। अब सब लोग हाथों में मशाल ले लो और गांव की ओर चलो। सब एक साथ आगे बढ़ेंगे और भूतिया बंदर को आवाज देंगे। सर पे पहन लो। सारे गांव वाले भी वैसा ही करते हैं। वे सब देखने में एलियंस लग रहे होते हैं। अब सब लोग हाथों में मशाल ले लो और गांव की ओर चलो। सब एक साथ आगे बढ़ेंगे और भूतिया बंदर को आवाज देंगे। भूतिया बंदर, कहाँ छुप के बैठा है तू? सामने आ, हम तुझे मार के अपने प्लेनेट पे लेके जाएंगे। हम आ रहे हैं। वे सब धीरे धीरे यही बोलते बोलते गांव में घुस गए, जहाँ उन्हें भूतिया बंदर तोड़फोड़ करता हुआ गुस्से में दिखता है। अरे, ये लोग कौन हैं और इनका भेष कैसा है? प्लेनेट से आए हैं, तुझे
हमारे साथ चलना ही होगा। फिर वे सब भूतिया बंदर पर हमला करने का नाटक करते हैं। लगता है ये एलियंस आज मुझे मार ही देंगे और कैद करके ले जाएंगे। मेरी भलाई इसमें ही है कि मैं ये बंदर का शरीर छोड़ के कहीं दूर भाग जाऊं। भूत डर के मारे एकदम उसका शरीर छोड़ता है और गायब हो जाता है। इधर जादूगर इसी बात का इंतजार कर रहा होता है। जादूगर एकदम बंदर पर जादू की छड़ी घुमाता है और बंदर वापस राजू बन जाता है।